सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और इस बार इसकी शुरुआत सोमवार से हुई है। खास बात यह है कि इसका समापन भी सोमवार को होगा। शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना भगवान शंकर को समर्पित होता है। इस महीने में की गई पूजा और उपाय जल्द ही असर दिखाते हैं। सावन की समाप्ति 19 अगस्त को होगी, लेकिन ज्योतिष गणना के अनुसार इस महीने में कुछ राशियों पर भोलेनाथ की विशेष कृपा रहने वाली है। आइए जानते हैं कि किन राशियों के लिए यह सावन विशेष होगा और उन्हें क्या उपाय करने चाहिए। अयोध्या के ज्योतिष पंडित कल्कीराम के अनुसार इस सावन के महीने में कर्क, मकर और कुंभ राशि के जातकों पर भोलेनाथ की विशेष कृपा रहने वाली है। इन राशियों के जातकों को भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए विशेष अभिषेक करने चाहिए। कर्क राशि के जातकों के लिए यह महीना बहुत शुभ रहेगा। उनकी किस्मत चमक सकती है और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तरक्की के रास्ते खुलेंगे। इस दौरान कर्क राशि के जातकों को पूरे सावन के महीने में शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करना चाहिए। मकर राशि के जातकों के लिए भी यह समय बेहद अनुकूल रहेगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, रुका हुआ धन वापस मिलेगा और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। भगवान शिव की कृपा से दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आएगी। मकर राशि के जातकों को सावन में जल में उड़द मिलाकर भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद लाभदायक रहेगा। भोलेनाथ की विशेष कृपा से हर मनोकामना पूरी होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा और आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। कुंभ राशि के जातकों को जल में काला तिल डालकर भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इन राशियों में से किसी एक के जातक हैं, तो इस सावन में भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का यह सुनहरा अवसर है। सही तरीके से अभिषेक और पूजा अर्चना करें और भोलेनाथ की कृपा से अपनी किस्मत को चमकाएं। सावन का यह पवित्र महीना आपके जीवन में खुशियों की बहार लेकर आए, यही हमारी शुभकामना है। सावन का आनंद उठाएं और भगवान शंकर की आराधना करें। लोकल 18 के लिए अयोध्या से सर्वेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।